हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, टेस्टिंग टू डाइजेशन 4। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। हे टैटिन, व्हाट्स अप? नथिंग मच, वेटिंग फॉर द लंच ब्रेक। लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम। ओके, complete the sentence: an apple a day. How boring. All right, first you complete this sentence. Some people are intelligent because they eat dash. Hey, what happened? Why are you running away? Let's go to the class. Ma'am will discuss all about food, nutrients, and food fats today. You will get your answer there. Okay. So here you will learn about these words. Let's have a small look at these words: energy giving food, balanced diet, junk food, bodybuilding food, digestion of food, healthy ways of cooking food, protective foods, preparation of food, food preservation, water and roughage, different food habits. Let's the chapter. What's there in this chapter? Have a look. One day you eat your usual breakfast and go to play. The next day, again, eat your breakfast and sit at home, watching television or playing computer game. On which you feel hungry faster? You will feel hungry faster on the first day when you go to outdoor games. This is because we need more energy to do a physical labor. So basically अभी बोलता है कि हम यूजुअल ब्रेकफास्ट करते हैं और खेलने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे अगेन हम क्या करते हैं, सेम ब्रेकफास्ट लेते हैं, बट आपको दो टास्क दिए जा रहे हैं, या तो घर बैठे बैठे टीवी देखो या दूसरा कंप्यूटर पे गेम्स खेलो। तो ये बोला जा रहा है कि आप कौन से दिन ज्यादा हंग्री फील करोगे, बताओ, फर्स्ट डे या सेकेंड डे? हम हंग्री फील ज्यादा करेंगे ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे क्या हो रहा है, आप बाहर जा रहे हो, फिजिकल टास्क कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, बट घर पे बैठे हुए आप सिर्फ टीवी वॉच कर रहे हो, फिजिकल वर्क नहीं हो रहा। तो जब आप फिजिकल वर्क कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी में कैसे मिलती है, बाय फूड। फूड इज वन ऑफ अवर बेसिक नीड्स। वी ईट फूड बिकॉज नंबर वन, इट गिव्स अस एनर्जी। देखो, बेसिक नीड है फूड। अब हमें फूड चाहिए क्यों होता है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि आप बात करते हुए कार की, कार को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल, ठीक है। सेम हमारी बॉडी भी क्या एक मशीन है, और मशीन को भी क्या चाहिए होगा, फ्यूल। तो फ्यूल क्या होता है हमारे लिए, फूड, ठीक है। अब क्या हेल्प करता है फूड, उसकी नीड्स क्या है, नंबर वन इसमें गिवन है, इट गिव्स अस एनर्जी, या हमें एनर्जी ताकत देता है। इट हेल्प अस टू ग्रो, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। इट फाइट अगेन डिसीजेस, बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करता है। इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट, ये हमें हेल्दी और फिट रहने में हेल्प करता है, तंदुरुस्त रहने में मदद करता है। बट ओनली वन टाइप ऑफ फूड विल नॉट हेल्प टू डू ऑल दीज। सो ईट वराइटी ऑफ फूड विच आर राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, एग्स, मीट, फिश, मिल्क एक्सेट्रा। अब ये कहता है कि एक तरह का खाना खाने से मुझे ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाने पड़ेंगे, जिसमें से कि राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट, चपाती, मिल्क, ये सब इंक्लूड होगा, क्योंकि एक से कम नहीं चलने वाला, हमें वैरायटी ऑफ फूड खाने पड़ते हैं, ठीक है। फूड कंटेन सम न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, जो कि हमें बॉडी में चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड
nourishment to body. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर ऑफ वेरियस टाइप. अब न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, और क्या होता है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, कुछ कम चाहिए कुछ ज्यादा चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में चाहिए होते हैं. अब इनकी बात कर लेते हैं. दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर. अब हम ये सब डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, और एक चीज और हम स्टडी करने वाले हैं जो कि है रफेज क्लास में. ओके, वाटर आपको पता है, आप लोग हर बार पढ़ते आ रहे हो. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑल फूड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं, थ्री ग्रुप. नंबर वन इज एनर्जी गिविंग फूड, नंबर टू इज बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड नंबर थ्री इज प्रोटेक्टिव फूड. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अब सिर्फ दो जनों की बात हुई है, ठीक है, दो न्यूट्रिएंट्स की बात हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में बात हुई है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड स्टडी. ये हमें क्या देते हैं, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, तो हम एनर्जी देंगे देंगे. किस चीज के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए. ओके, और मम्मी पापा को तंग करने के लिए भी. शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. शुगर और स्टार्च के हैं ये दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन गुड अमाउंट इन व्हीट, राइस, पोटैटो, मेज, शुगर केन, हनी, बनाना एंड शुगर कैंडी. मीन्स जनरली जिसमें क्या होगा, इन सब में अच्छे अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होता है. आप देख सकते हो, हनी हो गया, बनाना हो गया, शुगर कैंडी. नेचुरल भी हो सकता है, कई आर्टिफिशियल भी हो सकता है. आप इमेजेस देख सकते हो, पोटैटो की है, व्हीट है, राइस है, कॉर्न आप पे दिख रहा है, शुगर केन दिख रहा है, हनी है, बनाना है एंड शुगर कैंडी है. अब हम कुछ स्टडी करते हैं फन टू लर्न के बारे में. लेट्स सी, पीपल हु डू हार्ड फिजिकल लेबर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट कंपेयर टू दो हु डू देयर वर्क सिटिंग एट वन प्लेस. अब मैं बात करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है, रेदर देन पीपल हु सिट एट द वर्क. ठीक है, या वर्क बाय सिटिंग. तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं, कोई अगर लेबर वर्क कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बना रहा है उस चीज के लिए, तो उन लोगों को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा एज कम्पेयर टू पीपल जो कि ऑफिस में बैठे हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे अपना वर्क कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट टॉपिक जो कि है फैट्स. फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. सी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फैट्स आपको ज्यादा एनर्जी देते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स. अब बात करेंगे फैट्स की, ठीक है, दे कीप अवर बॉडी वार्म. आपने देखा होगा सर्दियों में परांठे वगैरह खाते हैं, क्यों खाते हैं, या फिर हम ज्यादा से ऑयल कंटेंट यूज करते हैं, रीजन क्या होता है, वो हमारी बॉडी को वार्म देते हैं. क्लियर है. फैट्स आर फाउंड इन ऑयल, घी, बटर, चीज एंड नट्स. अब इमेजेस देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है. अब एक और फन फैक्ट बता देता हूँ जो कि इसमें लिखा है, दैट इज देयर अबाउट 2000 डिफरेंट वराइटीज ऑफ चीज. मतलब 2000 से भी ज्यादा वराइटीज ऑफ चीज आप मिल जाती हैं. देखो आपको सुन के हैरानी होगी, कुछ चीज जो होता है काऊ के मिल्क से बनता है, कोई बफलो के मिल्क से बनता है, बट कुछ याक के मिल्क से बनता है. ये आपको सर्दी वाले एरियाज में बहुत मिल जाता है, क्योंकि वहां पे याक होता है ना, याक के मिल्क से बनता है, बहुत कॉस्टली होता है ये.